लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। धमतरी से हमारे साथ हमारे सहयोगी भोजराज साहू जुड़े हुए हैं और वहीं राजनंदगांव से हमारे सहयोगी अक्षय साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं धमतरी का रुख करती हूँ भोजराज साहू का। जी भोजराज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्थिति है फिलहाल, क्या कुछ अपडेट है, कितने प्रतिशत तक मतदान हो चुका है फिलहाल? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान जारी है। अभी तक एक बजे की आंकड़ा बताए तो 48% यहाँ पे मतदान हो चुकी है और कुरुद में 50% मतदान हो चुकी है। लेकिन अभी इस पोलिंग बूथ में मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा खाली नजर आ रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी तेज है, 40 डिग्री तापमान है। यही वजह है कि लोग अभी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जैसे ही शाम 4 बजे के बाद से फिर यहाँ मतदाताओं की कतार लगनी शुरू हो जाएगी। तो अभी इस वक्त धमतरी के सभी पोलिंग बूथ खाली नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल भोजराज, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि सुबह से यहाँ लगातार वोटिंग हो रही है, महिलाएं यहाँ पर ज्यादा है, महासमुंद क्षेत्र की बात की जाए तो महिला वोटर ज्यादा है, महिलाओं में कितना उत्साह है, किस तरह से क्या मुद्दे लेकर वो वोट करने यहाँ पर पहुंची है? जी देखिए, सुबह से ही महिलाओं में काफी उत्साह था। हमने पहले इससे पहले सुबह भी हम कुछ तस्वीर दिखाया जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और सुबह से ही कतार में सब काम छोड़कर कतार में लगकर अपना मतदान किया। और यही वजह है कि जी बिल्कुल बिल्कुल राजनंदगांव का रुख करते हैं जहां हमारे सहयोगी अक्षय साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अक्षय, 24 का जो महासंग्राम है वो राजनंदगांव में देखने को मिल रहा है, सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है क्योंकि यहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, कितने प्रतिशत तक मतदान हो पाया है यहाँ पर? बिल्कुल, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी सियासी सरगर्मी राजनंदगांव लोकसभा क्षेत्र में बनी हुई है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने भूपेश बघेल को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, वहीं संतोष पांडे पर भाजपा ने दोबारा से भरोसा जताया है, जिसे लेकर सुबह से ही जो मतदाता है वो अपने घरों से निकल रहे हैं और लोकतंत्र का जो पर्व है, महापर्व है, उसमें अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं और लगातार मतदान वे करते हुए मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। बात करें मतदाताओं की तो 1 बजे तक का जो आंकड़ा रहा है वो 47% जो मतदान है वो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में हो चुका था। अभी तो 3 बज रहे हैं, लगभग 55% से अधिक जो है मतदान जो वो पूरा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ कुछ मतदाता भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सा क्या ऐसा मुद्दा है जो आपके जहन में था मतदान करते वक्त। जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। दूसरी बार मैं अपील किया था पहले भी कि 100% अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, है ना, तो मैंने भी आज अपने मत का प्रयोग किया है। और मेरी सबसे पहली ये है कि शिक्षा को लेकर जो अव्यवस्था बनी हुई है उसको लेकर, रोजगार को लेकर और भी जो चिकित्सा की सुविधाएं होती है वो सबको लेकर हमने वोट किया है और आगे जो देश हित में भी जो काम होना है उसको लेकर भी हमने वोट किया है ताकि देश हित राष्ट्र हित के प्रति लोग जागरूक हो और अधिक से अधिक मतदान करें। युवाओं को क्या लगता है इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो युवाओं को लुभा पाए? जी युवाओं को लुभाने के लिए देखिए सबसे पहले तो युवाओं के लिए मैं आपको बताया शिक्षा का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरीके से फेल है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हो पाता है, चाहे चिकित्सा का ले लो, चिकित्सा के क्षेत्र में भी कोई काम नहीं हो पा रहा है, है ना। तो ये सब जो सुविधाएं हैं उसको लेकर इसीलिए बढ़ चढ़ कर मतदान किया है और राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति ही जो आगे चलकर हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको लेकर हमने मतदान किया है। तो आपने सुना कि जो शिक्षा है और रोजगार का जो मुद्दा है उसे लेकर कहीं ना कहीं मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल अक्षय, अब हम कांकेर का रुख करते हैं जहाँ पर हमारे सहयोगी लगातार जीवानंद हलदर हमारे साथ जुड़े हुए। जीवानंद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, तो भोजराज साहू का हम रुख करते हैं जो कि धमतरी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी भोजराज, आपसे जानना चाहेंगे कि मतदान केंद्रों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आप कड़ी धूप में खड़े हैं, मैं देख पा रही हूं आपको लगातार आप कड़ी धूप में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर मतदाताओं के लिए? जी देखिए, मतदाताओं के लिए व्यवस्था तो यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे टेंट लगाया गया है, विकलांगों के लिए व्हील चेयर लगाया गया है, पानी के पीने की व्यवस्था की गई है, तमाम प्रकार की जो सुविधा है वो यहाँ पे की गई है। लेकिन
गर्मी तेज होने के कारण मतदाता अभी नहीं पहुंच रहे हैं, एक दो ही मतदाता यहां पे अभी आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलेगा 4 बजेगा उसके बाद से फिर मतदाताओं की कतार यहां लगनी शुरू हो जाएगी। हमने सुबह भी महिला मतदाता और युवा मतदाता हो या फर्स्ट टाइम वोटर है, इन सभी से बातचीत की, उनका कहना है कि जो बेरोजगारी का मेन यहाँ मुद्दा सामने आया, बेरोजगारी और शिक्षा को मुद्दा को लेकर उन्होंने वोट किया है। जी बिल्कुल, अगर आप किसी वोटर से, अगर आसपास आपके कोई वोटर है, अगर आप उससे बात कर पाए तो थोड़ा बात कीजिए। जी कुछ महिलाएं आ रही है, हम उनसे बात करते हैं, वोट देने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। क्या नाम है अंकित? वोट करने के लिए आए हैं? कितना तेज गर्मी है? गर्मी तो है, फिर भी तो आना पड़ी ना भाई। जी बोल रहा हूँ, एक चीज जरूर पूछेगा कि क्या मुद्दे लेकर वो वोट करने आई हैं।